बायकॉट बायकॉट बोलने से तो नहीं हो जाता, खास तौर पे किंग खान की फिल्म के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। पठान से सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारी शिकायतें थी हमें कि प्रमोशन ठीक से नहीं कर रहा। और फिर पठान का सॉन्ग आया बेशरम रंग, इसने हर तरफ रंग बिखेर दिए। मार्केट में पठान ने अपना सिक्का जमा लिया है बॉस। और दूसरी तरफ जब बायकॉट बायकॉट पठान बायकॉट हाई ट्रेंड पर था, तब शाहरुख खान ने ईट का जवाब पत्थर से दिया, झूमे जो पठान के इस गाने के साथ। पिछले गाने में शाहरुख के जस्ट लुक्स ने ही लोगों को हिला कर रख दिया था। कुछ लोगों को तो इस चीज से बहुत ज्यादा शिकायत भी थी कि शाहरुख खान सिर्फ इस हद तक ही महदूद क्यों रहे। मगर लोगों की अब ये शिकायत भी दूर हो जाएगी क्योंकि शाहरुख उतर चुके हैं दीपिका के साथ डांस फ्लोर पे। सॉन्ग देखकर मुझे सलमान खान के सॉन्ग सुरक्ष से स्वागत की याद आ गई, जिसमें सलमान और कैटरीना ने किरदार अदा किया और उसको एक आइकॉनिक बनाया। 4 घंटों में ही 5 मिलियन प्लस क्रॉस कर चुका है ये। अब तक तो मुझे इसकी रफ्तार बेशरम रंग से ज्यादा तेज नजर आ रही है। झूमे जो पठान के सिंगर अरिजीत सिंह है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छा सिंगर इन लोगों को मिल सकता था। बाकी बात की जाए इसके लिरिक्स और कोरियोग्राफी की तो मुझे पर्सनली बेशरम रंग का सॉन्ग इस सॉन्ग से ज्यादा अच्छा लगा। उसके लिरिक्स तो कमाल नहीं बल्कि बहुत ही कमाल थे। हिट फैलाने वाले लोग तो आपको हर कामयाब फिल्म के साथ मिल ही जाएंगे, पर वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि हिट भी एक तरह से फ्री की प्रमोशन ही है। इसके म्यूजिक में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ मिसिंग था यार। फिर भी जो भी हो सॉन्ग तो आ गया है और बहुत जल्दी लोगों की जबान पर चढ़ भी जाएगा, चाहे नफरत हो या मोहब्बत। बस नहीं कर पाओगे तो वो है इग्नोर। खैर, आप लोगों का इस सॉन्ग और पठान के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।